सऊदी अरेबिया की फ्लाइट से पहुंच जाती वहां पे, घूमती रहती फिर वहीं पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फर्स्ट डे को, फर्स्ट जनवरी को आप जो भी काम करो आप वो पूरे साल करते हो। मुझे लगा 4-5 किलोमीटर तो मुझे चलना ही पड़ जाएगा इस एयरपोर्ट में। आप जो भी काम करो आप वो पूरे साल करते हो, इसीलिए कभी रोना नहीं और अच्छे अच्छे काम करना। तो हम एक काम कर रहे हैं जो है ट्रैवलिंग। मैं तो बस इधर ही ट्रैवल कर रहा हूँ, लोकल लंबा ट्रैवल करने वाला। हाँ, वरनी तो बस लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल भी कहाँ, कंट्री ऑफ प्यार इंडिया। सो मैं जा रही हूँ इंडिया अकेली, वरुणीत मुझे छोड़ दिया, वरुणीत तो नहीं जा रहे। तो मैं जा रही हूँ इंडिया एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्रैंकफर्ट। एंड इंडिया में किस, इंडिया में ऐसे नहीं जा रही हूँ, इंडिया में किसी रीजन के लिए जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से मेरा बोर्डिंग है। तो अभी बहुत टाइम है, जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जैसे इंडियन लोग होते हैं, मुझे लग रहा है कि हम भी वैसे उम्र के साथ साथ नया साल के साथ हम भी वो वाले जनरेशन में चले गए हैं जहाँ पर फ्लाइट है 3 बजे तो हम लोग पहुँच जा रहे हैं 10 बजे। पर ठीक है, चलते हैं, ये वाला चेंजेस भी अपना लेते हैं। तो पहले पहुँचते हैं एंड फिर आगे की बातें करते हैं। सो फाइनली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट आ गया, पार्किंग करके अंदर चलते हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, जा रहे हैं हम अभी टर्मिनल की तरफ। और सामान वामान भी सब हो गया है, कुछ भूली नहीं ना आशिता? जो भूली वरनी कहाँ से बाद में आ रहे हैं, मैं वरनी को बता दूंगी। फिलहाल हम अपना टर्मिनल ढूंढ रहे हैं, टर्मिनल तो मिल गया है, गेट ढूंढ रहे हैं, चेक इन काउंटर। हमें हड़बड़ी नहीं है बट एक चेक इन करके ना खाली हाथ ऐसा एक थोड़ा फ्री होके बैठते हैं, तो जल्दी जल्दी चेक इन कर लेते क्योंकि चेक इन ना लास्ट मिनट में थोड़ा भीड़ ज्यादा हो जाती है। आशिता ये नहीं कि पहले देखी फ्लाइट चेक इन काउंटर कहाँ पे है, बोले यहाँ भीड़ लग रहा है ये जाके खड़े हो जाते हैं। खड़ी हो गई सऊदी अरेबिया की फ्लाइट से पहुंच जाती वहाँ पे, घूमती रहती फिर वहीं पे। इक्वल तो हो गया आशिता चेक इन? हाँ हो गया। चलो अब तुमको चूस बोलते हैं जल्दी से। E9 पहले चलो गेट तक मुझे छोड़ने। गेट तक नहीं जा सकते कुछ भी। गेट तक तो जा ही सकते, गेट तक नहीं लेकिन E9 तक तो चलो। सिक्योरिटी तक जा सकते। हाँ, वहाँ तक चलो। तो सिक्योरिटी चेक में जाने के पहले मैं और वरुणी हम दोनों पहुँचे फूड कोर्ट एंड हमने थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया क्योंकि फ्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम था एंड यहाँ का फूड कोर्ट बहुत अच्छा था। चलो आशिता जा रही है इमिग्रेशन की तरफ। हाँ मैं जा रही हूँ। खुश कितना है? खुशी देखो इसकी। अभी थोड़ी देर में मैं बहन रोने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन रोना चाहेगा? ये देखते। एनीवेज चलो लेट हो जाएगा है ना। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद वरुणीत अलाउड नहीं थे तो मैं निकल पड़ी अपने सफर पे। सिक्योरिटी चेकिंग के जस्ट बाद आप आते हो ड्यूटी फ्री मॉल में। यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम्स एंड लिकर्स एंड घड़ी एंड मतलब हर चीज़ के ड्यूटी फ्री मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर बट मुझे तो ये महंगा ही लगता है। तो अब हम चलते हैं अपने गेट की तरफ एंड सेफ अपने गेट के सामने बैठना। एंड रास्ते में बहुत छोटी छोटी ब्रांड शॉप्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो वाइल गोइंग टूवर्ड्स योर गेट। सो फाइनली मेरी फ्लाइट लग चुकी है एंड अनाउंसमेंट भी हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। सिंस मैंने आइल सीट के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मुझे आइल सीट मिला है एंड उसके अलावा पार्ट मुझे मिला है ब्लैंकेट, हेडफोन्स एंड एक पैकेट जिसमें है मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइज़र। थोड़ा कंफर्टेबल होके मैंने मूवी लगाया रॉकेट ट्री एंड इट वाज सरप्राइज कि उसमें शाहरुख भी है।
मूवी देखते देखते ड्रिंक्स का टाइम हो गया था और मैंने ऑप्ट किया फॉर अ सिंपल कोला अलॉन्ग विद प्रेटजल्स। ड्रिंक्स के इमीडिएटली बाद आपको मिलता है लंच, जिसमें था डक, एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश, बुलगुर, ब्रेड एंड बटर अलॉन्ग विद कोला अगेन। एंड मैं मूवी के बीच बीच में ट्रेस भी कर रही हूँ कि मेरा फ्लाइट कहाँ है एंड अभी कौन सी कंट्री के ऊपर उड़ रहा है। सो मैं दिल्ली जा रही हूँ एंड मेरा लेओवर कतर में है। सो मैं अभी कतर में हूँ एंड बाय गॉड यहाँ का एयरपोर्ट देखकर मुझे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बिल्कुल बच्चा सा लग रहा है। यहाँ फुटबॉल टीम के बहुत सारे मर्चेंडाइज बिक रहे थे अलॉन्ग विद बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड के शोरूम्स भी हैं। इट्स सरप्राइज्ड मी कि एयरपोर्ट में सोने की दुकानें भी थी जिसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड बिक रहा था। और अब हम आ गए हैं कतर एयरपोर्ट के आइकॉनिक टेडी स्टैचू के सामने। द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस ट्रिप वॉज मेरा ले ओवर टाइम सिर्फ 2 घंटे था, तो मैं सिर्फ इस मॉल में सिर्फ 2 घंटे ही घूम पाई हूँ। ये अभी तक का बेस्ट लुई विटॉन स्टोर होगा जो मैंने अभी तक विटनेस किया है। गोल्ड बाइक, स्पोर्ट्स कार, ब्रांडेड बैग, यू नेम इट एंड यू गॉट इट, यहाँ पे हर तरह का। सो यार बड़े बड़े एयरपोर्ट का एक प्रॉब्लम ये है, अभी आया है गेट नंबर C9 एंड मेरा फ्लाइट है गेट नंबर 92 में, और दो गेट्स के बीच में आराम से मुझे लग रहा है कि यार बहुत डिफरेंस है। मुझे लगा 4-5 किलोमीटर तो मुझे चलना ही पड़ जाएगा इस एयरपोर्ट में। Finally, I was so happy. मुझे ये बेस्ट सीट मिला था जहाँ पर मुझे फुल लेग स्पेस था एंड मैं बिल्कुल फैल कर बैठी थी। एंड इसके इमीडिएटली बाद आ गया खाना, जिसमें था राइस, अचारी चिकन, दाल मखनी, सैलड, शाही टुकड़ा अलॉन्ग विद सम ब्रेड एंड बटर। सो अभी मैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि हमारा फ्लाइट दोहा से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए दिल्ली पहुँचने वाला है। और ये हूँ मैं जो अपने साल का पहला सनराइज एंजॉय कर रही हूँ। आप एक्साइटमेंट देख सकते हो, बट कहानी में ट्विस्ट है, फॉग की वजह से हमारा फ्लाइट ने लिया यू टर्न एंड हम बिल्कुल गोल घूमकर इधर हम वापस जा रहे हैं बिकॉज दिल्ली में फॉग इतना था। खैर फाइनली हम पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट और ये मेरे भाई, उसकी वुड बी फियांसे एंड मेरी एक और फ्रेंड मुझे रिसीव करने के लिए आए थे और मैं इन्हीं की एंगेजमेंट के लिए इंडिया आई हूँ। मैं दिल्ली में रुकी थी कुछ दिनों के लिए बट बिजी होने के चक्कर में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हेलो, सो अब हम पहुंच गए हैं इंडिया एंड हमारे साथ फर्स्ट टाइम मम्मी वर्षिता व्लॉग में कैमियो कर रही है। हेलो, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग निकले हैं शॉपिंग करने मेरी बुआ आने के लिए, 5th एनिवर्सरी आ रहा है उसी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसके पसंद का कुछ अच्छा सा स्टाइलिस्ट देखे वो क्या चूज करती है। बेटे का भी है बेटा बाद में, बहू पहले अब एक नंबर में बहू आ गई, बेटा पहले एक नंबर था, बहू एक नंबर है। हाय रे वरुण। नहीं नहीं उसके लिए है, उसके लिए अच्छा अच्छा चीज है। फिर हम पहले पहुंचते हैं उसके बाद आप इसको दिखाते हैं। तो थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे वेस्ट साइड एंड वेस्ट साइड कलेक्शंस वर एक्चुअली रियली गुड। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी पीसेस थे, बहुत ही ज़्यादा जेंजी पीसेस थे एंड बहुत अच्छे, इन टोटल बहुत अच्छे थे एंड हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। तो भुवनेश्वर में कुछ दिन रहने के बाद मैं जा रही हूँ अभी जमशेदपुर, जहाँ पे मेरे भाई का इंगेजमेंट सेरेमनी होने वाला है एंड यहाँ पर मेरे मुझे मम्मी एंड पापा ड्रॉप करने आए थे स्टेशन। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जमशेदपुर, मेरा जमशेदपुर। हाय।
इसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी एंड ये शादी का घर था तो कुछ शूट भी नहीं हो पाया, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेटेड। हमारे पास इतनी सारी वीडियोज़ है बैकलॉग में जो एडिटिंग करना अभी भी बाकी है, तो ये वीडियोज़ फॉर श्योर जनवरी एंड की तरफ आएगा। अगर आपको किसी भी रीज़न के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।